टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेन वर्ब. सो व्हाट इज कॉल्ड मेन वर्ब, व्हाट इज द वर्ब वी डू, यू शुड से प्रॉपर्ली, जो भी काम हम करते है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. ओके, व्हाट इवर वी डू इज कॉल्ड मेन वर्ब, जो भी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. सो जस्ट सी सम मीनिंग्स, मेन वर्ब्स एंड देयर मीनिंग. एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मीन्स किसी चीज को मान लेना या स्वीकार करना. स्वीकार करना. एक्सेप्ट मीन्स किसी चीज को मान लेना या स्वीकार करना. स्वीकार करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. मैं मेरी गलती मानता हूँ. सेकेंड वन, अचीव. अचीव, ए सी एच आई ई वी ई, अचीव. अचीव मीन्स कुछ हासिल करना. अचीव मीन्स कुछ हासिल करना. फॉर एग्जाम्पल, ही अचीव्ड अ गुड पोस्ट. ओके, उसने एक अच्छा सा पोस्ट हासिल किया. सो अचीव मीन्स हासिल करना, कुछ अच्छा सा हासिल करना. अचीव मीन्स हासिल करना, कुछ अच्छा हासिल करना. देन नेक्स्ट वन इज एक्ट, ए सी टी एक्ट. ए सी टी एक्ट. एक्ट मीन्स कोई भी काम करना, कोई भी काम करना. ए सी टी एक्ट. एक्ट मीन्स कार्य करना या कार्यवाही करना. आई थिंक वांट टू गेट पनिशमेंट. I just told you, everyone just put the pen, pencil, everything down. Sure. Act means कोई भी काम करना या कार्यवाही करना. Stop writing, Krishna, you also. Focus here only. ACT, act. Act means कार्यवाही करना. The next one is admired. A D M I R E. Admire means किसी की तारीफ करना. Admire means किसी की तारीफ करना. आई एडमायर योर हार्ड वर्क. आई एडमायर योर हार्ड वर्क. मैं तुम्हारे हार्ड वर्क की तारीफ करता हूँ. सो एडमायर मीन्स तारीफ करना या प्रशंसा करना. एडमायर मीन्स तारीफ करना या प्रशंसा करना. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द मीनिंग ऑफ एडमायर इज क्लियर ना. एडमायर मीन्स किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना. देन नेक्स्ट वन इज एडमिट. ए डी एम आई टी. एडमिट मीन्स भर्ती. एडमिट मीन्स भर्ती. भर्ती होना या भर्ती करना. भर्ती होना या भर्ती करना. खुद भर्ती होना या किसी को भर्ती करना. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एडमिट. A D M I T, admit. Admit means भर्ती होना या किसी को भर्ती करना. The next one, advise. A D V I C E. Advise means सुझाव देना. Not C, it's S. Advise means सुझाव देना. Advise means सुझाव देना. किसी को कुछ करने के लिए बोलना. For example, you should go to स्कूल. तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट सुझाव. मैं क्या दे रहा हूँ? सुझाव. सो किसी को कोई सुझाव देना दैट इज कॉल्ड एडवाइस. एडवाइस मीन्स सुझाव देना. एडवाइस मीन्स सुझाव देना. यू शुड प्ले क्रिकेट. तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए. You should wake up before 7 o'clock. तुम्हें 7 बजे से पहले उठना चाहिए. So advice means किसी को सुझाव देना. Meaning of advice is clear now? Now affect. A double F E C T. Affect means प्रभावित करना. Affect means प्रभावित करना. किसी को प्रभावित करना. Affect means प्रभावित करना. अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना. अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना. द नेक्स्ट वन इज एग्री. ए जी आर डबल ई. एग्री मीन्स सहमत होना. एग्री मीन्स सहमत होना. किसी की बात से सहमत
होना। फॉर एग्जाम्पल आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, जो भी तुम बोल रहे हो मैं उससे सहमत हूँ, मीन्स वो सही है। एग्री मीन्स किसी से सहमत होना, किसी के साथ सहमत होना, किसी की बात को मानना, किसी की बात को मानना। I am agree with you, मैं तुमसे सहमत हूँ। I'm not agree with you, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मीन्स तुम जो भी बोल रहे हो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। एंड आई एग्री विथ यू, जो भी तुम बोल रहे हो वो सही है, मैं भी उसको मानता हूँ। देन अमेज, ए एम ए जेड ई, अमेज मीन्स किसी को चकित कर देना, किसी को चौंका देना। अमेज मीन्स किसी को चौंका देना या चकित कर देना। राइट डाउन हियर, चौंका देना या चकित कर देना, चौंका देना या चकित कर देना या चकित होना, चकित होना। अमेज मीन्स चौंका देना या चकित होना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, दैट अमेज्ड मी, तुमने तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया जिसने, इस चीज ने मुझे चौंका दिया। ओके, मैं चौंक गया कि तुमने तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। एक्सेप्ट मींस स्वीकार करना, किसी बात को, किसी चीज को स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, मैं मेरी गलती मानता हूं। अचीव मींस हासिल करना, कुछ भी हासिल करना। आई अचीव्ड अ गुड लेवल, मैंने एक अच्छा लेवल हासिल कर लिया है। एक्ट मींस कार्रवाई करना, कोई भी काम करना। ओके, देन एडमायर, एडमायर मींस प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ही एडमायर्स मी फॉर माई हार्ड वर्क। ओके, वो मुझे मेरे हार्ड वर्क के लिए तारीफ करता है। द नेक्स्ट वन इज एडमिट, एडमिट मींस भर्ती होना या भर्ती करना। ओके, भर्ती होना या भर्ती करना, यू नो, एडमिट कार्ड। फॉर एग्जाम्पल वी गेट एडमिट कार्ड लाइक भर्ती। एडवाइस, एडवाइस मीन्स किसी को सुझाव देना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एडवाइस, ADVISE, एडवाइस। एडवाइस मीन्स सुझाव देना। आई थिंक जस्ट गेट रेडी फॉर पनिशमेंट, वेट नाउ। इफेक्ट, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, किसी चीज को प्रभावित करना या प्रभावित करना। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। एग्री, AGREE, एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना, किसी के साथ सहमत होना, किसी की बातों से सहमत होना। ही इज नॉट एग्री विथ मी, वो मुझसे सहमत नहीं है। दैट मीन्स मैंने जो भी बोला उसके हिसाब से ये सही नहीं है। आई एग्री विथ यू और आई एम एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, जो भी तुमने बोला वो मेरे हिसाब से सही है। देन अमेज, AMAZE, अमेज। अमेज मीन्स चौंका देना या चकित होना। अमेज मीन्स चौंका देना या चकित होना। ओके, आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, या आश्चर्यचकित कर देना। सो दैट इज कॉल्ड अमेज। इज दिस क्लियर? Yes. Okay, just write down this much first. Everyone just write down this.